नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं आयर 24 न्यूज। इस वक्त हम विक्रमगंज अनुमंडल के नुनहर गांव के नुनहर पंचायत सरकार भवन के बाहर मौजूद हैं। यहां पर कुछ पदाधिकारी गण आए हुए हैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, लेकिन फिर भी लोग अपनी समस्याएं मुझे सुना रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन लोगों को भरोसा नहीं है कि पदाधिकारी गण हमारी समस्याओं को सुनेंगे या हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। परिचय दीजिए सर। सर आंगनबाड़ी नहीं, गांवन है, पंचायत भवन नहीं है। किस गांव की बात कर रहे हैं? आमा पकड़। सर आप बताइए कि आप छोटे छोटे बच्चा के यहाँ पढ़ने जाएगा? ना आंगनबाड़ी है, ना कोई विद्यालय है, कुछ नहीं है। नहीं है सर, आंगनबाड़ी है लेकिन जो कुछ भी आता है वो बच्चों को नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? बच्चों वहाँ पे पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चों कहाँ जाते हैं? दो चार जाते हैं, दो चार नहीं जाते हैं। बच्चे नहीं जाते हैं, इस वजह से नहीं मिलता? नहीं, जो जैसे होता है। हाँ, क्या नाम है? हमारे जैसे घर द्वार नोनहर में कुछ नहीं है, सब मड़ई में चुगेला छावेला वही में रही न जा हमने के। आतना दिन से नोनहर में आतना भइल है, नोनहर में आ घर द्वार सबको बंद, गरीब का कोई पूछते नहीं थे। हमने कहा आई है, आप यहाँ आई है, कहीं ना कहीं आपको भी एक उम्मीद होगी कि यहाँ पर हमारी बातों को सुना जाएगा। क्या लगता है, सुन लेंगे यहाँ के पदाधिकारी आपसे? ना नहीं सुनता है कोई, नहीं मनी का सबको होता है, गरीब का तो कुछ नहीं होता। हो गया है लेकिन मिलता नहीं है, मड़ई है, मड़ई है, झोपड़ी है, गोलोनी पास भी हो गया है लेकिन नहीं मिल रहा। कहीं घूस उस नहीं मांग रहे? नहीं, अभी कहाँ कोई घूस मांग रहा है ना कोई। यहाँ पर अपनी बातों को जब आप रखी तो क्या आपको संतावना दी गई? अभी तो कह रहे हैं कि हो जाएगा, आएगा, हो जाएगा। होगा कब महोदय? कम से ऐसे गरीबों के साथ ऐसे अत्याचार ना कीजिए कि हमेशा ही कहा जाता है कि आपके कामों को हो जाएगा। और ऐसे गरीब लोग, ऐसे गरीब महिलाएं रोजाना कहीं ना कहीं इसी तरह से आप आती जाती रहती, इसी तरह से दौड़ती धूपती रहती हैं शायद, लेकिन कभी भी इनका काम होता नहीं है। बाल बच्चे लेकर वही में रही ना, जो कराकट के बाद गर्मी में लहकेला तो जरेला वही जो सूती ना जा, बुनी में चूता भी में हर वही बुनी में रही ना जो वही में। घर में जगह नहीं है, पानी इतना हिल जाता है, पानी के निस्तार भी नहीं है। लगता है अचानक से कभी आपका घर इतना जर्जर है, गिर जाता है, आप लोग दब जाते हैं और कुछ अनहोनी हो जाती है, इसका जवाबदेही कौन? अब हम क्या जानते हैं कौन होगा, जता के मर जाएंगे, जता के मर जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ के पदाधिकारियों की आंखें नहीं खुलेगी? यहाँ के पदाधिकारियों की आंखें कब खुलेगी? जब ऐसे ऐसे महिलाएं मर जाएंगी तब खुलेंगी। मैं निवेदन करूंगा इन सभी गरीब महिलाओं की बातों को सुना जाए, कृपया अगर नहीं सुना जाता है ना तो ऐसे गरीब महिलाएं किस प्रकार से बदहाली में जीने को मजबूर है शायद मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। और भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर परिचय देखिए, हम ग्राम पंचायत नोनहर में पढ़ते हैं, हमारा गांव आमा पोखर है। अभी स्कूल हमारा क्षतिग्रस्त पूरे तरीके से नहीं हुआ है, फिर भी टीचरों ने हेरा फेरी करके स्कूल को क्षतिग्रस्त डाल के और नोनहर में विद्यालय ला दिया। हमारे 5 साल के छोटे मोटे शिशु रोने लगते हैं एक्सीडेंट के डर से, भेंते नहीं है, बच्चे जाहिल होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है सरकार क्या कर रही है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है कि जो विद्यालय बना जाए। हम लोग कितने कंप्लेन दिया, जबकि वहाँ पे पूर्ण पढ़ाई हो सकता है उसी विद्यालय में, लेकिन उसको क्षतिग्रस्त डालकर टीचर ने ऐसा कहकर और विद्यालय नोनहर ला दिया। हमारे बच्चे आ नहीं रहे हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल कैसे आ सकते हैं? कम से कम गांव में होता तो मैं वहां पहुंचा देता, लेकिन इसी समस्या से गांव जूझ रहा है। अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ये आवेदन गया है कि नहीं गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस गांव की समस्या ऐसी है ना कि बेटी तो दूर, यहां बेटा भी नहीं पढ़ते हैं। जानते हैं का है? क्योंकि इस गांव में ना तो विद्यालय है, ना तो आंगनबाड़ी केंद्र है, ना कुछ है। विद्यालय एक था भी तो उसको कहीं ना कहीं गलत चीजों को दे करके, कहीं ना कहीं आवेदन दे करके उस विद्यालय को भी बंद करा दिया गया कि विद्यालय जर्जर है, लेकिन विद्यालय जर्जर नहीं ना जी। नहीं जी, उसमें रह के लोग खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। कौन लोग रहते हैं उसमें? दूसरे लोग रह रहे हैं, गांव ही के लोग रह रहे हैं। जब विद्यालय के वो टीचर द्वारा झूठ मूठ के उसमें लिख कर और भेज दिया गया कि स्कूल क्षतिग्रस्त है, स्कूल बहुत बढ़िया है, बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा लिख कर विद्यालय ला दिया यहाँ और हमारे बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं।
उस विद्यालय में जब बच्चे पढ़ेंगे तो विद्यालय गिर जाएगा, विद्यालय क्षतिग्रस्त हो जाएगा, लेकिन उसमें जब लोग रहेंगे तो विद्यालय क्षतिग्रस्त नहीं होगा। इस चीज का, इस चीज में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इस शब्दों को आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह से चीजें हो रही है, किस तरह से हमारे गरीबों को अशिक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, इन तमाम गरीब बच्चों की, इन तमाम गरीब लोगों की भविष्य के बारे में एक बार जरूर सोचें और इस विद्यालय में पुनः शिक्षकों की नियुक्ति जरूर करवाएं। मास्टर है मंसूर सर, वो भी गांव आमा पोखर से यहाँ स्कूल ला दिया, बोल रहे कि उसका उधर स्कूल ढह रहा है, तो खाना भरना तो नहीं ढह रहा है, बच्चा पढ़ेगा तो ढह जाएगा जी। उस विद्यालय को भी हम दिखाएंगे, एक दिन चलेंगे उस विद्यालय को दिखाएंगे कि कौन सा ऐसा विद्यालय है भैया जिसमें बच्चे जब पढ़ते हैं तो ढह जाता है, और जब उसमें लोग खाना बना के उसमें रहते हैं सोते हैं तो विद्यालय नहीं ढहता है। विशेषकर आज के लिए इतना ही, आप देख रहे थे ये कवरेज नूनहर से, और मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।